नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरा देश लड़ रहा है। वहीं देवरिया जनपद में बाहर से एम्बुलेंस के सहारे आए हुए रामपुर कारखाना निवासी एक व्यक्ति का सैंपल टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इस संबंध में जब पता किया गया तो जिलाधिकारी देवरिया ने यह बताया है कि वह 27 तारीख को एम्बुलेंस के सहारे बाहर से गांव में आए थे। वहां प्रधान द्वारा उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था और उनका टेस्ट सैंपल के लिए भेजा गया था, जिसके बाद उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। उन्हें लेवल 1 के अस्पताल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है और पूरे गांव की जांच करवाई जा रही है। उनके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। उनके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के बाद गाँव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी देवरिया ने पूरी विस्तृत जानकारी दी और बताया कि किस तरह से यह मामला प्रकाश में आया है। देवरिया से जनमंच खबर के लिए प्रमोद कुमार कश्यप की रिपोर्ट। ये इनका नाम हनीफ मंसूरी है और ये रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र गांव है बिष्णुपुर कला, वहीं के रहने वाले हैं। उम्र इनकी 45 साल है और ये 27 तारीख को एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट है उनके साथ ये आए थे। यहाँ टोटल 4 लोग थे और इनका 29 तारीख में जैसे ही अपने गांव में इन्होंने प्रवेश किया, वहाँ ग्राम प्रधान ने इनको जो गांव का क्वारंटीन सेंटर उसमें इनको रखा और उसी दिन इनके सैंपलिंग के लिए इनको यहाँ भेज दिया। आज सैंपल का रिपोर्ट आया है और उसमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं। जो भी इनके निकटवर्ती लोग हैं जिनसे ये संपर्क में आए हैं, सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, पूरे गांव को सील कर दिया गया है और जो हमारा लेवल 1 हॉस्पिटल है वहाँ हम लोग इनको भेज रहे हैं और इनके जो भी निकटवर्ती लोग हैं उनका भी सैंपलिंग हम लोग कराएँगे और उनको क्वारंटीन में रखेंगे।